بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق رواه الترمذي सुनन तिर्मिजी की एक हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई जिसके रावी सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मरतबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साइल ने सवाल किया कि लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाला अमल कौन सा है, कौन सी सिफत है, कौन सी आदत है, कौन सी नेकी है जो लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाएगी और जिसके सबब लोग ज्यादा जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे नबी ने फरमाया दो सिफतें हैं, दो नेकियां हैं, ये दो सिफतें जिसके पास होंगी सबसे ज्यादा यही लोग जन्नत में जाएंगे। सबसे पहली सिफत और पहली नेकी आपने कहा तक्वल्लाह, जिसके दिल में वाकई अल्लाह का डर हो, अल्लाह का तकवा हो, यानी उसकी दीनदारी तकवे के दर्जे की है, तकवे के मेयार की है, वो सिर्फ नाम का दीनदार नहीं, वो बाकायदा हर मामले में अल्लाह तबारक व ताला से डरता है। तकवा एक ऐसा अमल है जो 24 घंटे होने वाला अमल है, इसलिए कि तकवे का महल दिल है, तकवा इंसान के दिल में होता है। हम सिर्फ किसी के जाहिर को देख के डिसाइड कर देते हैं ये मुत्तकी है, टोपी है, जुब्बा लंबा है, दाढ़ी लंबी है, नहीं नहीं, तकवा दिल में होता है, दिल में होता है, उससे मामला करके देखो उसके तकवे का अंदाजा होगा, उससे लेन देन करके देखो मालूम होगा कि तकवे में वो कहां खड़ा है। मुत्तकी इंसान हुकूकुल्ला में भी कोताही नहीं करता, हुकूकुल इबाद में भी कोताही नहीं करता। मुत्तकी इंसान अल्लाह के हुकूक भी अदा करता है, फराइज अदा करता है, नमाजों का पाबंद होता है, रोजों का पाबंद होता है, सदका व खैरात करता है, इस्तेदाद है तो हज करता है, मुनकरात से बचता है, झूठ नहीं बोलता है, जुल्म नहीं करता है, धोखा नहीं देता है, न अल्लाह के साथ हक तलफी करता है, न अल्लाह के बंदों के साथ हक तलफी करता है। या और ये 24 घंटे की इबादत है, इसलिए कि जब तकवे का महल दिल है तो ये 24 घंटे की इबादत है उसकी। वो बिजनेस कर रहा है दुकान में बैठकर, मगर दिल में तकवा होने की वजह से उसकी इबादत जारी है। वो मार्केट में मसरूफ है लेकिन मार्केट में रहकर भी उसकी इबादत जारी है कि दिल में अल्लाह का तकवा है। वो घर में बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक में मशगूल है लेकिन उसकी इबादत जारी है कि दिल में अल्लाह का तकवा है। तकवा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, कामयाबी की असास है, कामयाबी की बुनियाद है, नजात का जरिया है। तो इसीलिए मुत्तकी इंसान की अल्लाह के पास बड़ी कीमत है और बड़ी अहमियत है। कहा सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत में ले जाने वाला पहला अमल ये अल्लाह का तकवा है। दूसरा अमल कहा हुस्नुल खुलुक, अच्छे अखलाक। अखलाक इंसान को इंसान बनाने वाली चीज अखलाक है। जानवर है जो कैरेक्टर लेस होता है, जानवरों में अल्लाह ने अखलाक नहीं रखे। ये और बात है कि जानवरों में भी हमारे सीखने के लिए बहुत सारे अखलाक होते हैं, लेकिन इंसान की पहचान अखलाक से है। कैसे बात करें हम बड़ों के साथ, कैसे छोटों के साथ, कैसे वालिदैन के साथ, कैसे
दोस्तों अहबाब के साथ कैसे, बहुत बड़ी चीज है अखलाक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैसत का मकसद ही अखलाक बताते हैं। कहा कि मैं और मुझसे पहले जो पैगंबर दुनिया में आए ये इंसानों को अखलाक की तालीम देने के लिए आए। इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अखलाक। प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में इसलिए भेजा है कि मकारी में अखलाक की वो तालीमात जो मुझसे पहले गुजरे पैगंबरों ने दी हैं उन तालीमात की तकमील के लिए अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखो अच्छे अखलाक वाला इंसान है ना, अपने अखलाक की वजह से लम्हा लम्हा नेकी करता है। अखलाक की वजह से बड़ों से मिलता है, अदब से बात करता है, बड़ी नेकी हो गई। छोटों से मिलता है, प्यार और शफकत से बात करता है, बड़ी नेकी हो गई। हाँ, हर चीज में, जिंदगी के शब रोज में, उसके लेलो नहार में और जिंदगी की एक एक हरकत से उसके अखलाक छलकते हैं। तो अखलाक बहुत बड़ी नेकी है। आप देखो सहाबा की जमात ने 50 साल की कलील सी मुद्दत में आधी दुनिया को फतह कर लिया था। आधी दुनिया, कोई मामूली बात नहीं। तारीख का एक गैर मामूली वाकया के अरब से उठने वाली ये कौम, ये सहरा नशीन कौम, ये बद्दू कौम सिर्फ 50 साल में आधी दुनिया फतह कर चुकी थी। कौन सा हथियार था इनके पास, किस हथियार से इन्होंने दुनिया को फतह किया था? क्या प्यारे नबी इनको कोई एटम बम दे गए थे? बिल्कुल नहीं। जिस अखलाक से, जिस हथियार से सहाबा ने दुनिया फतह की वो अखलाक का हथियार था। अखलाक, सहाबा जिन अखलाक को लेकर दुनिया में गए उस जैसा कैरेक्टर लोगों ने कभी नहीं देखा था और कहीं नहीं देखा था। लोग कहते थे सहाबा से, तुम तो इंसानी रूप में फरिश्ते मालूम होते हो तो इंसान लेकिन तुम अपने अखलाक में फरिश्ते लगते हो। और तारीख ने ऐसे भी शहादतें महफूज रखी हैं कि जब सहाबा की फौजें गई तो कौमों ने, मुल्क वालों ने अपने बादशाह से गद्दारी करके सहाबा का साथ दिया और सहाबा का इस्तकबाल किया। कहा कि चले आओ और हम पे हुकूमत करो, इसलिए कि तुम्हारा सुलूक, तुम्हारा रवैया हमारे साथ, हमारे हुक्मरानों और हमारे बादशाहों के रवैये से कितना बेहतर है। तो याद रखो मुसलमानों ने पहली सदी में जो दुनिया फतह की अखलाक से फतह, इसलिए कि अखलाक से दिल जीते जाते हैं। आप दिल जीत लिए तो इंसान को जीत लिए आप। जिस इंसान का दिल जीत लिए आप उस इंसान को जीत लिए आप। और दिल जीते जाते हैं अखलाक से। और आज हमारी और आपकी कमजोरी यही, प्यारे नबी के उम्मती हैं हम और प्यारे नबी के अखलाक से कितने दूर हैं हम। हमारी जबान देखिए, अल्लाह रहम करे, क्या रफ जबान, रोबदारी की जबान, गुंडागर्दी की जबान। कोई सलीका नहीं, कोई तहजीब नहीं, ला हौल वला। और हम प्यारे नबी के उम्मती हैं। हाँ, याद रखिए जो अखलाक हसना के जेवर से आरास्ता नहीं उसे ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, क्योंकि मैं अखलाक से आरी और अखलाक से खाली होकर मैं कहूं मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं तो मैं अपने पैगंबर को बदनाम कर रहा हूं। इसलिए कि दुनिया मेरे कैरेक्टर को देखेगी और देखकर कहेगी हां देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कितना रोबदार है, कितना गुंडा है। समझ रहे हैं आप, अखलाक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए याद रखिए ये दो सिफतें अपने अंदर पैदा कीजिए,
اللہ کا تقوی اور حسن القلق حسن اخلاق. دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی یہ دو عظیم صفتیں، دو عظیم نیکیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب.